Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we will start our new lecture and that is about Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Hazrat Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی اور ان کی لائف کی کیا تھی, how Muslims women served the cause of Islam, کیسے انہوں نے اسلام کی کاز کی حفاظت کی. کاز کیا ہوتا ہے اسلام کو پھیلانے, ان کا اسلام کے لیے انہوں نے کیسے زندگی یعنی گزاری. और नो हाउ द मुस्लिम वुमेन कैप्ट अप देयर इंटेग्रिटी इन द टाइम्स ऑफ हार्डशिप, कि जब मुश्किल वक्त आए टाइम्स आए तो उसके वक्त उन्होंने अपनी इंटेग्रिटी का सबूत दिया, यानी उनके साथ देने का, मुकम्मल उनके साथ इस्तेहकाम का सबूत दिया. और ये हमने आज पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक माइग्रेटेड फ्राम मक्का टू मदीना. ये तो आपको समझ आ गई कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिजरत करके मक्का से मदीना की तरफ गए इन द ईयर 622, कौन से साल में, 622 एडी में. तो आफ्टर यानी ये बन जाता है हिजरी, क्या बन जाता है आफ्टर. एडी का मतलब क्या होता है, एडी मीन के 622 हिजरी में. ओके, व्हेन द चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स, जब बहुत सारे सरदार, चीफ्स कौन होते हैं, चीफ्स होते हैं सरदार, सरदार किसके, चीफ्स ऑफ वेरियस बहुत सारे कबीलों के सरदार ऑफ मक्का केम टू नो, उन्हें पता चला अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन. और जब उन्हें उनके माइग्रेशन का पता लगा और उनके कंपेनियन की माइग्रेशन का, यानी उनके करीबी साथी की हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला उन्हों के हिजरत का पता चला, दे गॉट फ्यूरियस, वो बहुत क्या हुए, गुस्सा हुए. फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत आग बगोला होना, ये है ज़्यादा गुस्से में होना, यानी आग बगोला होना. तो व्हेन ही बिकेम नोन दैट ही हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, दे गॉट फ्यूरियस, दे बिकेम फ्यूरियस भी हो सकता है, लेकिन दे गॉट फ्यूरियस का भी मतलब यही है कि वो बहुत आग बगोला हुए. फ्यूरी जो है वो आग से ही निकला है. द चीफ्स वर डिटर्मिंड, और उन्होंने पक्का इरादा कर दिया. डिटर्मिनेशन का मतलब होता है इरादा करना, DETERMINED, डिटर्मिंड. जैसे आप कहते हो आई एम डिटर्मिंड टू पास माई मैट्रिक और नाइन्थ क्लास इन मोर देन 500 मार्क्स. तो डिटर्मिनेशन ये होती है कि आप जब मुसम्मम इरादा कर लेते हो, तो उन्होंने क्या कर लिया, एक मुसम्मम पक्का इरादा कर लिया, मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, कि हम उनको ज़रूर ढूंढेंगे. दे ऑफर्ड, क्या करेंगे, ज़रूर उनको जो है पकड़ेंगे या उनको ढूंढेंगे, पता चलाएंगे. तो सरदारों ने पहले से तलाश करने का तहिया कर लिया. दे ऑफर्ड ह्यूज रिवार्ड्स एंड बाउंटीज़ फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव, और उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐलान किस चीज़ का किया, रिवार्ड्स का, यानी उन्होंने एक इनाम की रकम भी रख दी. एंड बाउंटीज़, और बाउंटीज़ किसको कहते हैं, बाउंटीज़ भी इनाम को कहते हैं, कसीर दौलत, भारी इनाम या कसीर ज़्यादा सारी दौलत को पेश करने का इरादा किया. डेड और अलाइव की, जो भी उनको ज़िंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उसको भारी इनाम और कसीर दौलत दी जाएगी. द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी वॉज मेड, और इस सारे की प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है, तैयारी, सारे सफ़र की तैयारी, वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, किसके घर पर की गई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर पर. हज़रत आसमा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसज़ इन दिस रिगार्ड, अच्छा रेंडर्ड का मतलब होता है दी सर्विसेज, जो कोई देता है वो रेंडर करता है, क्या करता है, शी रेंडर्ड द सर्विसेज. रेंडर्ड का क्या मतलब है, उन्होंने रेंडर्ड द सर्विसेज, खिदमात सर अंजाम दी, सर अंजाम देना क्या होता है, रेंडर्ड करना, उन्होंने ये खिदमात सर अंजाम दी. इट मीन्स हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला ने रेंडर्ड द सर्विसेज, जितनी वो उनकी पैकिंग थी वो सारी सर्विस किसने दी, हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला ने वो सारी रेंडर्ड की, यूज़फुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड, इस मामले में. शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी, उन्होंने यानी हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उनके लिए खाना तैयार किया. शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक, और कैमल की बैग के ऊपर खाना भी लादा, यानी उसको टाई अप किया, पता है ना आपको कि उसकी कमर के ऊपर जो है वो कोई चीज़ लगा के उसको टाई अप किया, यानी बांधा, बांध कर उस कमर की, कैमल क्या है, ऊँट की कमर पर बांधा. विद हर ओन बेल्ट, अपनी बेल्ट के साथ, एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, क्योंकि उन्हें जल्दी में मतलब कुछ ना मिल सका होगा, नथिंग एल्स और कुछ भी ना मिला, तो नथिंग
एल्स का मतलब है और कुछ भी, जैसे आप कहते हो एनीवन एल्स, एनीवन एल्स का क्या मतलब है, और कोई रहता है यहाँ पे? आप अगर एक टीचर क्लास में कॉपीज चेक कर रही है और कोई बच्चा अगर रह गया तो उसके लिए पूछती है एनीवन एल्स इज लेफ्ट, एल्स का मतलब है कोई और, तो नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं और मिला, तो उन्होंने क्या किया अपने उस बेल्ट के साथ टाई अप कर दिया। ठीक है, तो आप इस सफ़र में खाना तैयार किया, जब खाना बांधने के लिए कुछ और हाथ ना लगा तो आपने इसे अपनी कमर बंद चादर के साथ ऊँट की पुश्त पर बांध दिया, अपनी कमर बंद के साथ उसके ऊँट की पुश्त पर, बैक क्या होती है, बैक उसकी पुश्त होती है, तो उसकी पुश्त पर बांध दिया। ये एक ज़्यादा स्पेसिफिक और अच्छा लफ्ज़ है जो कि ट्रांसलेशन में बेहतर लगता है। वैसे तो बैक जो है कमर को भी कहते हैं, यहाँ पर पुश्त कह देंगे। फॉर दिस सर्विस, इस सर्विस के लिए शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन नातकीन बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनको इस सर्विस की वजह से, इस खिदमत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ का खिताब किए दिया, इस खिदमत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ातुल कानतीन यानी चादर के दो पलड़ों वाली का लकब अता फरमाया, लकब अता फरमाया। टाइटल का क्या मतलब होता है? लकल, लकब, लकब, ओके। ज़ातुल नातकीन ड्यूरिंग द प्रीवियस पैरेलस जर्नी, पैरेलस होता है मुश्किल, जब कोई चीज़ मुश्किल हो ना हम कहते हैं इट्स वेरी पैरेलस, तो ये सफ़र क्योंकि मुश्किल था। ड्यूरिंग द पैरेलस जर्नी इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन, हर किसी के लिए ये बहुत मुश्किल था टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि उनको सप्लाई की जाए फूड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फूड का यानी सप्लाई करना या उनको ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल हो चुका था। क्या हुआ, इस पुर ख़तर सफ़र के दौरान किसी शख्स के लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुराक पहुंचाना बहुत ही दुश्वार अमल था। पेरिलस, दुश्वार या मुश्किल, पेरिलस का क्या मतलब है, मुश्किल सफ़र था, जर्नी ट्रैवल से निकला या सफ़र से। द सिचुएशन वॉज सो डेलिकेट, और इतनी ये सूरत हाल बड़ी नाजुक थी, सिचुएशन सूरत हाल को कहते हैं, दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक, स्लाइट का मतलब होता है छोटा, SLIGHT स्लाइट, तो स्लाइटेस्ट मीन कि वो छोटी सी गलती भी कुड हैव एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ रसूल, उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बायस बन सकती थी। कुड हैव डेंजर्ड, हमेशा याद रखिएगा कुड हैव डेंजर, हो सकती थी, कुड हैव, जैसे आप कहते हो आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर, आई कुड हैव बीन अ डॉक्टर If I had worked hard, if I had worked hard, अगर मैं ज़्यादा मेहनत करती तो मैं डॉक्टर भी बन सकती थी, could have, तो ये उनके लिए बहुत ख़तरे का बायस बन सकती थी, छोटी सी गलती भी उनके लिए भी बहुत बड़े ख़तरे का बायस बन सकती थी। Endangered the life, endangered का क्या मतलब होता है, endangered का मतलब होता है ख़तरे का बायस बनना, यानी ये चीज़ गलती उनके लिए एंडेंजर, डेंजर का बायस बन सकती थी। दिस ग्रैंड टास्क वॉज नाइसली अंडरटेकन बाई हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला ने, और ये सारा मामला, ग्रैंड टास्क, ये बहुत बड़ा अजीम काम किसके ज़रिए हुआ, हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने बड़े नाइसली का मतलब होता है बड़े तरीके से उन्होंने, यानी बेटी हज़रत आसमा ने उठाया और कि इसका बेड़ा, अजीम काम का बेड़ा हज़रत अबू बकर सर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी ने तरीके से उठाया या ने उठाया। फिर है एवरी नाइट, हर रात विद द पैक ऑफ फूड, पैक हुई हुई फूड के साथ या फूड की गठड़ी के साथ, पैक होता है ना एक गठड़ी सी में बांध के, शी वुड क्वाइटली, वो खामोशी के साथ, वेंचर टूवर्ड्स द रग्ड माउंटेन्स, वो रवाना हो जाती हैं। वेंचर, वेंचर का मतलब है VENTURE, वेंचर, वेंचर का क्या मतलब है, ना हमवार पहाड़ों की तरफ से जाती, वेंचर, ये ख़तरनाक जो पहाड़ थे, रग्ड माउंटेन्स का मतलब है ना हमवार, यानी रग वैसे किसको कहते हैं, एक छोटी सी चटाई जो अन ईवन होती है, इसी तरह ये रग्ड माउंटेन्स थे, ना हमवार थे, हमवार नहीं थे, स्मूथ नहीं थे, रग्ड थे, तो इन पर जाती, वेंचर मीन रवाना होती या जाती, इन विच ले द केव ऑफ थोर, जिसके अंदर कौन सी थी, केव ऑफ थोर थी, इसके अंदर कौन सी केव थी, इसके अंदर जिनमें गारे सौर वाकया थी, और इस थोर को क्या पढ़ते हैं, गारे सौर वाकया थी। शी टुक केयर ऑफ द मिनट डिटेल्स, और उन्हें एक एक मिनट की
डिटेल्स का ख्याल रखना पड़ता था, या फिर इसको क्या कहेंगे, ये जो हर छोटी से छोटी चीज़ की एहतियात को उन्होंने मलहूज़े खातर रखा इन अकम्पलिशिंग द टास्क, अकम्पलिश करने का यानी काम को ख़त्म करने के लिए, अकम्पलिश का पूरा करना, तो हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखा। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बीन, जितना भी मुश्किलात आई फॉर हर टू ट्रावर्स द रॉकी पाथ एट नाइट, जितनी मुश्किलें पेश आती तब भी वो इस रॉकी पाथ में, रॉकी मीन्स के ये जो माउंटेनियस पाथ था और बहुत पत्थरों से भरा पड़ा था, इससे गुजरती पथरीले रास्ते से क्या कर जाती, गुजर जाती, दुश्वार होता तब भी ट्रावर्स कर जाती, गुजर जाती, विद द कॉन्स्टेंट फियर ऑफ बींग डिटेक्टेड, और उनको ख़तरा हर वक्त क्या था कि उनकी डिटेक्शन ना हो जाए, कोई उनको देख ना ले। बींग डिटेक्टेड का क्या मतलब होता है, वैसे होता है डिटेक्ट करना, कि अभी तक बीमारी की डिटेक्शन नहीं हो रही, तो आप कहते हो कि बीमारी डिटेक्ट करने का मतलब होता है जानना, DETECT, डिटेक्ट करना। ओके, देन इज ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, और माइग्रेशन की रात में, हिजरत की रात पे, आ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स, जो उनका ट्राइबल चीफ था यानी उनके ट्राइब का जो सरदार था, उनके क्या कहते हैं, एक कबायली सर, हिजरत की रात को काफरों का एक कबायली सरदार, क्या नाम था उसका, अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फरीक का मतलब है कि वो बहुत तैश में आ गया, बहुत गुस्से में आ गया, हेडेड टूवर्ड्स हजरत अबू बकर सिद्दीक, और किस तरफ गया, हेडेड का मतलब होता है हेड करके जाना, उस तरफ जाना, किस तरफ गया, हेडेड टूवर्ड्स की तरफ गिया, किसकी तरफ, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घर की तरफ गया, किस में, बहुत गु़स्से के आलम में, ही बिगेन टू नॉक, और उन्होंने जल्दी जल्दी, उसने नॉक करना शुरू, दरवाज़े को खटखटाना शुरू किया, एट द डोर वायलेंटली, वायलेंटली बहुत तेज़ी के साथ, जैसे आप गुस्से में खटखटाता है ना बंदा, तो वायलेंटली का मतलब होता है एक वैसे बजाना शुरू करना और रुकना ही ना, एड्रेसिंग हज़रत आसमा, और क्या कहते हुए, हज़रत आसमा को मुखातिब करते हुए, ही डिमांडेड वेयर इज़ योर फादर, उस उन्होंने क्या किया, उसने मुतालबा किया, डिमांड की, मुतालबा किया कि तुम्हारे वालिद कहाँ है, शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने नरमी के साथ जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मुझे क्या पता, दिस मेक अ स्टेटमेंट, और फिर क्या हुआ, नहीं, दिस रिस्पॉन्स शोज या द विजडम, और उनकी ये जो रिस्पॉन्स थी या उनका जवाब था वो किससे भरा हुआ था, विजडम के साथ, विजडम क्या होता है, अकलमंदाना जवाब देना, और इसने हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह तआला को मुखातब करते हुए उसने अच्छा ये क्या था नरमी से, ये हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह तआला की इनका दानिशमंदी और दिलेरी को ज़ाहिर करता है, ये जो इनका जवाब था ये दानिशमंदी और करेज को ज़ाहिर करता है, करेज ऑफ हज़रत आसमा यानी हज़रत आसमा की दिलेरी को ज़ाहिर करता है, जैसे अब आप कोई और होता तो घबरा जाता, वो कहता है कि कहाँ पे गए हैं या इस तरह ऐसा जवाब देता जिससे अगले को पता चलता, इन्होंने तो बिल्कुल ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं आप क्या बात कर रहे हो, शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, और उन्होंने किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट ना दी, कोई ऐसी बात ना कही दैट वुड गिव हिम अ क्लू, कि जिससे उनको थोड़ा सा भी क्लू या इशारा मिल जाता, शी सिंपली पोस्ट आ काउंटर क्वेश्चन, बल्कि उन्होंने उल्टा एक क्वेश्चन कर दिया, एक सवाल कर दिया, दाग दिया, दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, जिससे अबू जहल और गुस्से में हो गए, इन्फ्यूरिएटेड का क्या मतलब होता है, इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है उस उनके जवाब ने उनको और ज़्यादा गुस्से में कर दिया, अबू जहल को भड़का दिया, इन्फ्यूरिएटेड कर दिया अबू जहल को, ही स्लैप्ड हज़रत आसमाज फेस, और उन्होंने क्या किया, हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह तआला के मुंह पर थप्पड़ मार दिया, सो हार्ड, इतना सख्त, दैट हर ईयर रिंग फेल ऑफ, बट फेल ऑफ, कि उनकी जो ईयर रिंग थी, जो बाली थी, वो दूर जा गिरी, कि उनके कान की बाली दूर जा गिरी, बट शी रिमेंड स्टेडफास्ट, लेकिन वो साबित कदम रही, स्टेडफास्ट का मतलब होता है साबित कदम रहना, यानी एक होता है ना बंदा घबरा जाता है, नहीं, वो साबित कदम रही, स्टेडफास्ट रही, एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, और बिल्कुल राज के ऊपर से पर्दा मत हटाया, रिवील किया या सीक्रेट उनको पता ना, राज ना पता लगने दिया, हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू काफा, क्या नाम था उनके जो ग्रैंडफादर थे हज़रत, एक सेकेंड,
अबू कहाफा, क्या नाम है? अबू कहाफा। हर ग्रैंडफादर, उनके जो दादा अबू थे हजरत अबू कहाफा, वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। उस टाइम क्या थे? डिसबिलीवर थे, यानी कि वो साहिब ईमान नहीं थे, अल्लाह पर ईमान नहीं लाए थे। ही वॉज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़े थे, एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और ब्लाइंड हो चुके थे, यानी अपनी नज़र खो चुके थे। ठीक है, ब्लाइंड का यहाँ पे क्या, नाबीना थे, नाबीना कहते हैं ना उर्दू में। ही सेड टू हर, उन्होंने उनको कहा, हज़रत आसमा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा, आई थिंक, मेरा ख्याल है, अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी दौलत ले ली है, लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खाली हाथ छोड़ कर गए हैं, एंड हेल्पलेस, और बग़ैर बेजारो मददगार, हेल्पलेस, बग़ैर मदद के। एट दिस शी इंस्टेंटली रेन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, वो भागती हुई एक किनारे पर, घर के एक किनारे पर गई, शी गैदर्ड सम पेबल्स, और उन्होंने थोड़े से उधर पत्थर जमा किए हुए थे, एंड पुट देम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज टू कीप हिज मनी एंड ज्यूल्स, और वहाँ पे जमा करके रखती जहाँ पे उनके फादर, उनके अब्बू जो है वो कीमती जवाहरात और पैसे रखते थे। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लोथ, और उस हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह ताला ने उसको एक छोटे से कपड़े के पीस के साथ, कपड़े के टुकड़े के साथ कवर कर दिया, यानी ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर, और फादर को क्या कहा, अपने दादा बू को, आए, लुक, देखें, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस, उन्होंने सब कुछ हमारे लिए छोड़ दिया है। ही टच द क्लोथ एंड थाट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड, और उन्होंने उसको जब छुआ तो उन्हें ऐसा लगा कि सारा ये भरा हुआ है, किसके साथ, सोने के साथ और हीरे जवाहरात के साथ भरा हुआ है, एंड ज्यूल्स, हीरे जवाहरात के साथ। हिज कंसर्न वॉज एलिवेटेड, फिर उनका जो शक था और ज़्यादा बढ़ गया, यानी इज़्तराब बढ़ गया। फिर क्या हुआ कि सब कुछ छोड़ कर गए, उन्होंने कपड़े को जब छुआ और सोचा कि सोने और जवाहरात से भरा हुआ है, उनके इज़्तराब की शिद्दत में कमी आ गई। फिर क्या हुआ, हिज कंसर्न वॉज एलिवेटेड, उनका थोड़ा सा जो इज़्तराब था उसकी शिद्दत में कमी आ गई, एंड ही फेल्ट रिलीव्ड टू नो, और वो थोड़ा सा, रिलीव्ड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से, दुख से, परेशानी से की कमी आती है तो आप कहते हो आई फील रिलीव्ड, सुकून जब महसूस करते हैं तो आप कहते हैं कि आई एम फीलिंग रिलीव्ड।